फोटो करा मैं पूरा एकदम क्लियर आ रहा है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हर की तरह इस सप्ताह भी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आज 8 प्रतिभागी भाग लिए हैं, जिसमें कुछ की 2 है जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी है, वो ग्लोबल स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो ग्लोबल ए ग्लोबल बी कहती हैं। तो आज जीके और जीएस से सभी के बीच क्विज का प्रतियोगिता कराया जा रहा है। तो देखिएगा लास्ट तक कौन कहां तक जाते हैं और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्विज को। पहला क्वेश्चन सतीश जी बोलिएगा। पहला क्वेश्चन, क्वार्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? क्वार्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? क्वेश्चन 2 बार बोलेंगे, जो भी आंसर दीजिएगा थोड़ा तेज दीजिएगा। नीला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गहरा नीला होता है। चलिए विकास जी आप बताइएगा, काला सोना किसे कहा जाता है? बबलू जी अति दीपक जी आप बोलिएगा, विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बगल वाले मणिपुरी। और सोनू जी की बोनस लिए। चलिए सोनू जी आप ही से क्वेश्चन है, सोमपेन कहाँ की जनजाति है? सोमपेन भारत की। भारत में कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। ग्लोबल ए आप बोल दीजिएगा, महिला दिवस कब मनाया जाता है? वोमेंस डे। 8 मार्च। वेरी गुड। ग्लोबल बी बताइएगा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का हेड ब्रांच कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई। जितेंद्र जी आप ही से है, साइबर स्पेस सब किससे संबंधित है? साइबर स्पेस किससे संबंधित है? कंप्यूटर। लास्ट में नहीं लिए। हार्दिक जी आप बोलिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? हल्का है हार्दिक जी, आप ही से रिकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। आप बता दीजिएगा, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की। हाँ, इस्लामाबाद। आप ही से क्वेश्चन है, भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? जमता है। जो भी ऑप्शन बोलिएगा, आंसर बोलिएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा ताकि इसमें सुनाई पड़े ना, मालूम चले कि सारे खाली बोल रहे हैं। 4 डिग्री। ग्लोबल बी। ग्लोबल ए। 3.8 डिग्री सेल्सियस। गुड। जी बोले थे कुछ नेगेटिव। ग्लोबल बी बोलिएगा, सिक्किम की राजधानी बताइए। ग्लोबल ए बताइएगा, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितने रंग में डिवाइड होता है? 7 रंग। गुड। चलिए आपसे है, IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? डेट के साथ अगर इसी बता दीजिएगा तो भी सही है, लेकिन डेट बताइएगा तो सही बताना पड़ेगा, इसलिए रिस्क लेना आपके पास है। IDBI बैंक
1945 में हुआ। बोलिए ऑप्शन, नहीं ऑप्शन ऑप्शन बाद में मिलता है सर। 1994 चलिए आप ही से क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1964 सिर्फ जानते थे जी। अच्छा चलिए 1 जुलाई 1964 पागल कुत्ते के काटने से कौन सा भयानक बीमारी होता है? गुड, हाइड्रोफोबिया। चलिए दीपक जी भी खाता खोलते हुए, चलिए आपका है, टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? टांग में। आप बोलिएगा, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की? सही खड़े लोग दीजिए उसको। आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिंग जिंग। चलिए आपसे क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाना किसका सूचक है? जो बैरोमीटर में, बैरोमीटर में जो पारा होता है अचानक से तेजी से नीचे गिर जाता है तो कौन सा संकेत देता है कि पृथ्वी पर क्या आने वाला है? क्या होगा? आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। दीपक जी, तो दीपक जी आप ही से क्वेश्चन है, काशा किस मिश्र धातु से बना होता है? दो को किस किस्म के बना रहता है कांसा? कांसा कांसा हाँ, टीन, जस्ता और कॉपर। चलिए सोनू जी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? चलिए ग्लोबल ए बताइएगा, भारत का आजाद हुआ था? ग्लोबल बी बोलिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब किया गया था? 1911। ग्लोबल बी। जितेंद्र जी बोलिएगा, दूषित जल पीने से कौन सा बीमारी होता है? दूषित जल पीने से कौन सा बीमारी होता है? एक दूसरे को बताइएगा, अपने लॉस होइएगा, ये कंपटीशन है। देख रहे हार्दिक जी अकेले टिकल है। जितेंद्र कुमार प्रथम स्थान 30 नंबर लाकर, दूसरा हुए दीपक कुमार 28 नंबर लाकर, और तीसरा हुए सोनू कुमार 22 नंबर लाकर। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें।